हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अपना करवा चौथ बहुत ही धूमधाम और बहुत ही बढ़िया तरीके से मनाया होगा। मेरा यहाँ पे वीडियो थोड़ा सा लेट अपलोड हुआ क्योंकि काफ़ी सारे काम थे और घर पे भी बहुत सारे काम चल रही हैं, दिवाली की साफ़ सफाइयाँ वगैरह, तो थोड़ा सा लेट हो गया। और ये रहा मेरा मेहंदी, करवा चौथ का लग चुका है। बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन मैंने चूज़ किया था और ये लग चुका है। और नेक्स्ट मॉर्निंग यहाँ पर मैं सुबह के किचन के काम कर रही हूँ। हम होममेकर्स का फास्ट क्यों ना हो, निर्जला ही क्यों ना हो, जैसे तीज में हमारा व्रत रहता है निर्जला व्रत, वो क्यों ना हो, लेकिन हम कभी अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी से ना पीछे नहीं हटते हैं। सुबह उठ करके सबके लिए खाना बनाने के बाद ही हम अपनी दूसरे चीज़ों में, पूजा की तैयारी में लगते हैं। तो बस मैं वही कर रही थी, यहाँ पर सुबह उठ के नाश्ता बना लिया सबके लिए। उसके बाद यहाँ पर मैं दोपहर की भी तैयारी कर रही थी, सब्जी भी बना रही थी मैं यहाँ पर, और दाल चावल थोड़ा सा लेट से बना लूँगी। किचन के काम ख़त्म हो गए हैं, नहा धो लिया मैंने, सुबह की पूजा भी कर ली, जो सिंपल पूजा होती है घर पे वो मैंने कर लिया है। और उसके बाद अब थोड़ा सा टाइम हो गया है ख़ुद को रेडी करने का, तो इस तरीके से मैंने किचन के टिफ़िन कुछ यूज़ किए थे। और अरेंज करने के लिए अपने नेल पॉलिश को मैंने आपको दिखाया भी था जब मैं अपने ड्रेसिंग टेबल अरेंज कर रही थी, ऑर्गेनाइज़ कर रही थी उसमें। तो इस तरीके से ना बहुत ईजी हो जाता है, सारी चीज़ें आपको एक जगह पर मिल जाती है। और कुछ कुछ हम घर की चीज़ों से भी यूज़ करके उसको रीयूज़ करके ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं छोटी छोटी चीज़ों को। दोपहर के 3 बज चुके थे और अब टाइम हो गया था कि मैं करवा चौथ पूजा के लिए अपनी थाली सजा लूं ताकि मैं शाम में ना आराम से रेडी हो सकूं। तो यहाँ पे जो भी चीज़ें ज़रूरत होती है ना पूजा के लिए, पूजा सामग्री वगैरह, हम गए थे लेने के लिए दोपहर में ही, और वो लेकर के आ गई हूँ मैं। और सारी चीज़ें मैं यहाँ पर सजा लूँगी थाली, बस कुछ कुछ चीज़ें बची हुई है, जैसे फूल अभी लाना है और फल और मिठाई, तो वो बची हुई है तो वो भी आ जाएगी। उसके बाद उसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस धो करके मैं डाल लूँगी। तो बाकी चीज़ें जिसमें टाइम लगने वाला है वो मैं रेडी कर रही हूँ यहाँ पे, दिया वगैरह सारी चीज़ें रेडी कर ली है। उसके बाद करवा चौथ का सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ होता है ना, वो होता है अपनी सास को सुहाग की चीज़ देना। जैसे अगर आपकी सासू माँ नहीं है तो आप किसी भी सुहागन को ये सारी चीज़ें दे सकती है, तो ये बहुत ज़रूरी होता है करवा चौथ के पूजा के लिए। सो इस तरीके से मैंने अपनी पूजा की थाली तैयार कर ली है, सजा ली है, और बस फल और मिठाई बची हुई है, बस वो आ जाएंगे, फिर मेरी थाली कंप्लीट हो जाएगी और फिर हम शाम में पूजा के लिए चलेंगे। हाँ, टाइम भी हो रहा है और रेडी भी होना, तो चलो फटाफट से अब रेडी हो जाते हैं। करवा चौथ के लिए मैंने साड़ी ख़रीदी थी और एक ब्लॉग में मैंने शेयर भी किया था आप लोगों से, लेकिन उसका ब्लाउज़ ना रेडी नहीं हो पाया। सो इसी वजह से लास्ट मोमेंट में मैंने डिसाइड किया कि अपनी शादी के जोड़ा पहनने से ज़्यादा बेहतर करवा चौथ के लिए क्या होगा, तो इसीलिए मैंने लास्ट मोमेंट में डिसाइड किया कि हाँ, मैं अपना शादी वाला ही साड़ी पहनूंगी। हमारे में हम शादी के लिए ना येलो साड़ी पहन करके बैठते हैं, तो वो बहुत ही प्यारा सा है मेरा साड़ी जो ससुराल की तरफ से पड़ता है और मेरा ऑल टाइम फेवरेट है, बहुत ही प्यारा लगता है पहना हुआ। और मैं ये साड़ी ना हमेशा पूजा पाठ में ही यूज़ करती हूँ, जैसे मैंने एक बार वट सावित्री में भी पहना था, बहुत ही अच्छा लगता है, तो मैंने डिसाइड कर लिया कि हाँ, मैं यही पहनने वाली हूँ। तो चलो, साड़ी पहनने से पहले मैं यहाँ पर मेकअप कर लेती हूँ। मेकअप भाई बहुत ज़रूरी है, मेकअप करना पहले पसंद नहीं था बट अब धीरे धीरे मुझे अच्छा लगता है और कभी कभी करना भी चाहिए, है ना। और जब भी हम मेकअप लगाते हैं अपने फेस में, उससे पहले CTM करना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने कर लिया है। उसके बाद मैंने आई मेकअप भी कंप्लीट कर लिया है, मैं पहले करती हूँ, अपना तरीका होता है, आप चाहो तो बाद में कर सकते हो, तो मैं यहाँ पे पहले कर लेती हूँ आई मेकअप। और यहाँ पे फिर मैंने फाउंडेशन लिया है, उसको डॉट डॉट करके फेस में हर तरफ लगा लिया है। उसके बाद यहाँ पर ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लूँगी। सो फेस में अच्छे से ब्लेंड करने के बाद जो भी प्रोडक्ट बच जाता है ना, उसको अच्छे से नेक में भी लगा लूँगी और कानों को नहीं छोड़ना है। सो मेरा ये कंप्लीट हो गया है। सो अब मिलती हूँ आप लोगों से साड़ी पहनने के बाद। और ये जो आप लोगों को मेरा बन दिख रहा है ना, काम चलाऊ, वो काम चलाऊ ही है एक्चुअली, मुझे बनाना नहीं आता है जूड़ा वगैरह, तो मैंने कोशिश करी और ये मैसी बन बन गया है, तो मैं काम चला लूँगी इससे, कोई बात नहीं। और टोटल लुक को चेंज करने के लिए मैंने पहना है हेड चेन पहली बार, तो कैसा लगा आप लोगों को मेरा ये लुक आप ज़रूर बताना।
और इस बार मैंने ना कोशिश करी है साड़ी का पल्लू जो होता है ना वो आगे करके लेना, जैसे पूजा पाठ में अच्छा लगता है ये लुक, तो मैंने कोशिश करी है पहनने का इस तरीके से। कोई था नहीं मेरी हेल्प करने का और मुझे उतना अच्छा से ये पल्लू लेना नहीं आता है, बट उतना परफेक्शन नहीं ला पाई, बट चलो कोई बात नहीं, पहन लिया इस बार, अगली बार और अच्छे से पहन लूँगी। और ये देखो आप लोग मेरा बन तो चलो अब मैं रेडी हो गई हूँ, और फाइनल टच जो होता है हमारा घूंघट, तो ये मैंने ले लिया है। सो पंडित जी आ गए हैं हमारी पूजा के लिए, और हम तीन लोग हैं जो यहाँ पे मिलके पूजा करने वाले हैं, और सारी तैयारियाँ हो चुकी है अच्छे से। और ये जो मिट्टी का करवा होता है ना उसमें स्वास्तिक बनाना ज़रूरी होता है, तो मैं वही बना रही थी, और जैसे जैसे पंडित जी बोलेंगे हम अपनी पूजा संपन्न करेंगे। इस तरीके से हमने सब साथ में मिलकर के पूजा करी, और अकेले करने से ज़्यादा अच्छा लगता है सब साथ में पूजा करें। और करवा चौथ में ना सुहाग की चीज़ों को बहुत महत्व दिया गया है, तो इसलिए पूजा के बाद सुहागने इस तरीके से अपने सुहाग की चीज़ों को फेरती हैं, एक्सचेंज करती है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट नियम है करवा चौथ का। और यहाँ हमारा इंतज़ार खत्म हुआ, चाँद निकल गया है, तो चलो हम चाँद की पूजा करेंगे, उसके बाद पति पूजन करेंगे। सो इस तरीके से सारी पूजा करने के बाद जो भी श्रृंगार की चीज़ें हम चढ़ाते हैं ना अपनी सासू माँ को देख करके अपनी पूजा मैंने संपन्न करी। सो कैसा लगा आप लोगों को आज का मेरा ब्लॉग कमेंट में ज़रूर बताना। सो मिलती हूँ आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।